दुमका में अंकिता हत्याकांड की पड़ताल कर रही पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव जानकारी। दुमका में शाहरुख ने अंकिता को कैसे जलाया, उसे मौत के मुंह में कैसे पहुंचाया, अंकिता हत्याकांड की हकीकत उतनी ही है जितना सामने आया, या आरोपियों ने सच छिपाया, इन सवालों का जवाब पाने के लिए दुमका पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पे लिया है और रिमांड पे लेने के बाद कल देर रात उनको लाके यहाँ पे रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन में सबसे पहले उनको इसी जगह पे लाया गया जिस जगह से इस बात का जिक्र है कि इसी खिड़की से उसने अंकिता के ऊपर पेट्रोल छींटा और उसके बाद उसने आग लगाई। इससे पहले पुलिस आरोपियों को लेकर पेट्रोल पंप पे भी गई और यह जानने की कोशिश की कि कितने बजे और कहां से उसने पेट्रोल खरीदा। दरअसल बताया जा रहा है कि तकरीबन 8:43 पर अंकिता को उसने फोन किया। अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम की 3 दिन की रिमांड हासिल कर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अंकिता के विसरा की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि जलने से अंकिता के शरीर पर हुए जख्म में इन्फेक्शन हुआ और अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया।